फोकस की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। सब किसी ना किसी न्यूज पैक से चलते रहे डालते हैं। आप ट्रेडिंग के लिए अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। तीन अच्छे नतीजे थे और तीनों के मार्जिन एक्सपेंशन हाईलाइट थे। कौन से? मैनकाइंड, टीटागढ़ और सोमाली। आधार हाउसिंग फाइनेंस में कल लिस्टिंग सबड्यूट सी और उसमें बड़े इन्वेस्टर्स का चेक इन करना। क्विक हील ने यूरोपियन एक टाइप इंटरेस्टिंग सा करा। यूरेका फोर्ब्स के एकोगार्ड रिलेटेड अपडेट्स। अब फिर उसके बाद चार नतीजे जो है ये ठंडे हैं, इसीलिए लाल रखा है। जिंदल स्टेनलेस मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट, एनएलसी इंडिया एग्जीक्यूशन रिलेटेड चैलेंजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज टॉप लाइन मिस, उसके चलते सब कमजोर हो गया, परकुलेट कर गया। और टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कमजोर नतीजे। ओके, रिजल्ट पे ही पूरा फोकस हमने भी किया है। एनसीसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी में नंबर काफ़ी बढ़िया है, मार्जिन एक्सपेंड हुआ और ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। प्रिकॉल में भी वही हाल, बहुत अच्छा मुनाफा ने बनाया। सीएमएस इन्फो, पीएफसी सब रिजल्ट्स के आधार पर हिंदाल्को और हिंदुस्तान कॉपर आधार पर रखिए। कॉपर के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में अगेन तेजी से बढ़े हैं और एक हफ्ते के अंदर 8.5% बढ़ चुके, $5 का भाव पहुँच गया है। कोफोर जो परसिस्टेंट इसलिए क्योंकि यूएस में कल बहुत बड़ा मूव आया और रेट कट की होप फिर से एक बार बन गई है, तो अगर आईटी में थोड़ा मूव आता है तो मिड कैप आईटी ध्यान रखिएगा। भारतीय एयरटेल में नमूरा की बाई कॉल पर 1550 का टारगेट और कॉलगेट में जेफरीज की बाई कॉल है, यहाँ पे भी काफ़ी ऊंची टारगेट रखे गए हैं। ओके, तो ये जरा एक बार निफ्टी की ट्रेजेक्टरी को लेकर आइएगा, फिर इसको देखते हैं। इट्स 22319 आधा परसेंट टू पर। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए इन टीम्स में से आपके प्रिफर्ड दो दो ट्रेड्स क्या होंगे आशीष और नीरज जी की टीम में से? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन। वीरेन देखिए, आशीष जी की टीम में तो पहले मैंने सोमाने सिरामिक्स लिया था, लेकिन वो प्री ओपन में 15% अब दिख रहा है, उसको छोड़ दिया। तो क्विक हिल देखिए, क्विक हिल मिड कैप आईटीज में मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रैक्शन अच्छा है, कल भी हमने देखा, तो क्विक हिल बाय करेंगे। 470 दिख रहा है प्री ओपन में, बाय करें, स्टॉप लॉस रखें एटलीस्ट 10 पॉइंट्स का, यानी 460 का, और जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 490 से लेके 500, तो एक स्विंग मिलना चाहिए यहाँ पे आफ्टर ए करेक्शन। एनर्जी की टीम देखे देखे, जो टॉपिक तो ऑब्वियसली आईटी से ही था, कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट, तो परसिस्टेंट पे तो ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो मैं कोफोर्ज को चुनूंगा। अगर आप कोफोर्ज का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे रिकवरी पहले शुरू हुई है और अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर खड़ा है कोफोर्ज। 10 डे में कल इसने रिगेन किया, तो मुझे लगता है आज 20 डे में हिट करेगा, जो करीबन करीबन 4800 के आसपास है, 4660 के आसपास खुल रहा है, तो बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ एटलीस्ट 60 पॉइंट, तो 4600 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें और कोफोर्ज को भी बाय कर सकते हैं।